चलिए बात कर लेते हैं खबरों के विस्तार से। देश भर में आज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट का आयोजन किया जा रहा है। बात करें कोरोना काल में हो रहे इस परीक्षा की, तो इस बार कोरोना की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा गया है। राजधानी जयपुर में कुल 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 20,900 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का प्रवेश 11 बजे से सेंटर्स पर शुरू कर दिया है। सेंटर्स पर लंबी लाइनें दिखाई जा रही हैं। लाख 57,000 स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। सोशल डिस्टेंसिंग की करनी होगी पालना। देश भर में 3,843 परीक्षा केंद्र, एक रूम में 12 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था। राजस्थान के 6 शहरों में 269 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 1,08,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। जयपुर में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और से होगी परीक्षा। कोरोना को दी गई है गाइडलाइन, कोरोना को देखते हुए यहां पर गाइडलाइन दी गई है। एनटीए की ओर से एसओपी का करना होगा पालन। स्टूडेंट्स को सेंटर पर देना होगा कोरोना वायरस होने का सेल्फ डिक्लेरिफिकेशन। आपको बता दें कि यहां पर स्टूडेंट्स को सैनिटाइजर और पानी की बोतल साथ लानी होगी। तो स्टूडेंट्स को यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। सेंटर पर पूरी तरह से होगा टच फ्री एंट्री। स्टूडेंट्स को यहां पर पानी की बोतल साथ लानी होगी, अपना सैनिटाइजर लाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मिलेगा सेंटर में प्रवेश। स्टूडेंट्स को मास्क और फेस शील्ड दी जाएगी। जयपुर में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट का आयोजन आज जयपुर में 54 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। जयपुर में कुल 20,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा। 11 बजे से परीक्षार्थियों को दिया जा रहा प्रवेश।